हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्कीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ घोड़ा घी तेल की है। बहुत छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी में ली है सूजी और एक कटोरी में ली है छाछ। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो यहाँ पर आप दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। दही हल्का सा खट्टा होना चाहिए। अब इस सूजी को मैं इस मिक्सी के जार में डाल देती हूँ, साथ में जो छाछ ली है वो भी इसमें डाल लेती हूँ। अब हम इसको पीस लेते हैं। साथ ही मैं एक डाल देती हूँ अदरक का टुकड़ा, एक लहसुन। मैंने एक लहसुन यहाँ इसलिए ली है, ये ऑलरेडी इतनी बड़ी है और मोटी है, आप यहाँ पर दो लहसुन के टुकड़े भी ले सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। अब इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इसको एक बाउल में, बड़े से बाउल में पलट लेते हैं। ये एकदम चिकना सा घोल बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें अब डालेंगे नमक स्वादानुसार, आधा टीस्पून के करीब डालेंगे मीठा वाला सोडा। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ पर इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। क्योंकि हमने अभी इसमें सोडा डाला है तो 2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देते हैं। सोडा रखने के बाद 2 मिनट रखने से ये अच्छे से रिएक्ट करता है। अगर आप इनो का प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत के तुरंत इसका प्रयोग कर लीजिए। अब यहाँ हमने ले लिया है एक मोल्ड। इस मोल्ड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो प्लेट, कटोरी, कुछ भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अलग नाश्ता बनकर तैयार होगा। बेस को भी रखे हुए 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने इसमें छाक बन रहे हैं। अब इस बैटर को इस मोल्ड में पलट देते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई पर पानी रख दिया था उबलने के लिए। आप यहाँ पर स्टीमर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 10 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 1 मिनट पकने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे इस पे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब इसको फिर से हम ढक देते हैं। 20 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद पहले इसकी किनारियों को हम इस तरीके से हटा लेते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम इसे निकालने में ना हो। निकालने के बाद मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप कोई भी मनचाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। मैंने ये पूरा कटिंग कर लिया है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन एक प्रोसेस और करेंगे उससे ये और डबल टेस्ट आ जाएगा। गैस पर पैन में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। आप इसको ऑयल में भी ग्रीस कर सकते हैं। घी से इसका टेस्ट थोड़ा डबल हो जाता है। आप यहाँ पर बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो स्लाइस हमने कट करके रखे हैं उनको इस तरीके से इसमें लगाते जाएं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक एक दो दो मिनट तक इसको पकाना है सब तरफ से। हल्का हल्का इस पर गुलाबी पन आ जाए, इसकी एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें सब तरफ से इसको पका लेना है। सब तरफ से हल्का हल्का गुलाबी हो जाएगा, फिर इनको इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना पिंक कलर इस पर आ गया है। मैं अब आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए कितना मस्त लग रहा है। देखने में जितना मस्त है खाने में उतना ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, कम समय में बनकर तैयार। इसको मैं सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तब भी आप इसको खा सकते हैं। और घर का बना है, खाने में टेस्ट आ रहा है ब्रेड के जैसा, गार्लिक ब्रेड के जैसा, लेकिन थोड़ा हेल्दी है, एकदम अलग हटकर है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।